अस्सलाम वालेकुम अजीज़ तलबा और तालबात, उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैर वाकिफ़ से होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे, हमारा मौजू है आज का कश्मीर के दिलकश बागात, जो कि हमने कल इस सबक में पढ़ा। पहला टॉपिक इसका हिस्सा वन, तो मैंने आपको बोला कि कश्मीर के ज़्यादातर उसमें बागात मुग़ल बादशाहों ने लगाए हैं। मुग़लों का ज़ौक़ जमाल, यानी कि उनका खूबसूरती का जो शौक़ था, ज़ौक़ जमाल बोलते हैं खूबसूरती के शौक़ को, वो मशहूर है। ताजमहल जैसे उन्होंने बनाया था, फतेहपुर सिकरी है, लाल किला है, ये ज़ौक़ जमाल के मज़ाहिर हैं उनके शौक़ के, खूबसूरती के। बागों का शौक़ वो ईरान या तुर्कस्तान से अपने साथ लाए थे। तो कश्मीर के कुदरती मनाजर, यहाँ की आब हवा ने मुग़लों के ज़ौक़ जमाल को और भी जला बख्शी थी, चमक बख्शी थी, जला हो गया चमक। तो आज हम आगे सबक पढ़ेंगे, जो पुराना बाग है शालीमार, इन सब बागों में पुराना बाग है, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। आप अपनी किताब खोलो, पेज नंबर 107, उस पर आप नज़र रखो, तो हम पढ़ेंगे शालीमार बाग के बारे में, मैं आपको समझाऊंगी। शालीमार बाग जो है बच्चों, उन बागों में सबसे पुराना है, जिसकी बुनियाद मुग़ल बादशाह जहांगीर ने 1619 ईस्वी में डाली, उसके 11 बरस बाद शाहजहां के दौर में बाग को वस्त दी गई, उसको और बढ़ाया गया, ठीक है, वस्त हो गया और बढ़ाया गया, आगे बड़ा किया और इसकी जीनत खूबसूरती यानी को बढ़ाया गया। शालीमार बाग जो है श्रीनगर से 10 किलोमीटर दूर शुमाल मशरक की जानब पहाड़ियों के दामन में वाक़ा है। ये 4 बराबर तबकात में मुंतकिस है। ऊपर से बाग में एक नदी दाखिल होती है और इसके बीचों बीच गुजरते हुए नीचे डाले झील से मिलती है। मुनकसीम है ये 4 बराबर तबकात में, ठीक है, और ऊपर से बाग में एक नदी दाखिल होती है और इसके बीचों बीच गुजरते हुए नीचे जिले डाल से मिलती है। इस नदी पर कई छोटे बड़े 12 दरिया तामीर किए गए हैं। 12 दरिया ऊपरी तबके के वस्त में सियाह रंग संग मरमर की जो 12 दरी है, उसमें बादशाह गर्मियों के दिन गुजारता था, सियाह संग मरमर की जो 12 दरी है उसके ऊपर, उसमें बादशाह गर्मियों के दिन गुजारने के लिए बैठता था। वहाँ हवा अच्छी चलती थी, मौसम बहुत अच्छा था। ये 12 दरी 30 फुट ऊंची और चबूतरे पर बनी है। इसमें सियाह रंग मरमर के 6 मुनकसिश सुतून हैं, पत्थर लगाए गए हैं। 12 दरी के इर्द गिर्द एक तालाब है जिसमें एक फुवारे लगाए हैं। बाकी 3 तबकों में जो छोटी छोटी 12 दरियां हैं, वो भी काबिले दैद हैं। यहाँ से फुवारों का खूबसूरत नज़ारा बहुत ही सुकून बख्श महसूस होता है। नदी के दोनों तरफ मखमलें सब्जा है, जिसमें मुनासब जगहों पर मखमलें हो गया सब्ज़ रंग का, बिल्कुल सॉफ्ट जैसे मखमल की तरह वहाँ है नीचे, जिसमें मुनासब जगहों पर फूलों की क्यारियाँ लगी हैं। तुम्हें मालूम होगा कि लाहौर में भी एक बाग शालीमार बाग के नाम से मशहूर है। लाहौर में एक बाग है, वो भी शालीमार नाम बाग से मशहूर है और 1634 ईस्वी में बना है। किस ईस्वी में? 1634 ईस्वी में बना है। मुमकिन है कि कश्मीर के शालीमार बाग ही के नाम पर उसका ये नाम पड़ा होगा, हो सकता है इसी बाग पर उसका नाम, वो बना है 1634 में, और ये बाग जब बादशाह शाहजहां ने, बादशाह जहांगीर ने बनाया उस वक़्त 1619 में, ठीक है, ये 1619 ईस्वी में ये बाग बना है। तो वो 1634 ईस्वी में बना है, जो लाहौर में है शालीमार बाग, हो सकता है इसी के नाम से बना है। तो आज हमने शालीमार बाग के बारे में जाना, इंशाल्लाह आगे भी पढ़ेंगे निशात बाग के बारे में भी। खुदा हाफिज़।